खबरनामा के प्रायोजक हैं मेरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन 4, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन 4, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर की जवाहरपुर चीनी मिल में टैंक फटने से हुआ बड़ा हादसा, 3 की सांसें थमी। और बात होगी लहरपुर में पूर्व सांसद स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। फिर बात करेंगे सीतापुर में स्वच्छता अभियान जारी, नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु भी हुए शामिल। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन को दिया बड़ा झटका। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में अवैध कब्जा कर चलाई जा रही डेयरी पर गर्जा पालिका का बुलडोजर। सीतापुर के आरएमपी महाविद्यालय में 18 जनवरी को होगा स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम। सीतापुर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अक्षत वितरण जारी। मकर संक्रांति पर सीतापुर की तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत का लखीमपुर के मैगलगंज में हुआ जोरदार स्वागत। लखीमपुर की शिक्षिका ने अनोखे अंदाज में दी श्री राम मंदिर बनने की बधाई। अब बेसिक विद्यालयों में परस्पर तबादले के लिए करना होगा गर्मी की छुट्टी का इंतजार। भारी शीतलहर की चपेट में यूपी डराने वाली है मौसम विभाग की भविष्यवाणी। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती के 68वें जन्मदिन पर बसपा की सीतापुर इकाई द्वारा आयोजित किया गया कार्यक्रम। इस दौरान बसपा नेताओं ने क्या संकल्प लिया और विरोधियों पर कैसे तीखे तीर चलाए, इसे विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 14 से 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए सीतापुर जनपद में विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों तथा अफसरों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सीतापुर से विधायक और नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने सीतापुर के दुर्गापुरवा मोहल्ले में स्वच्छता अभियान चलाया। लहरपुर में पूर्व सांसद और किसान नेता स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता सीतापुर के सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव ने की तथा संचालन निवर्तमान प्रदेश सचिव शोभित मिश्रा ने किया। कार्यक्रम को पूर्व सपा जिला अध्यक्ष शमीम कौशल सिद्दीकी तथा स्वर्गीय हरगोविंद वर्मा के पुत्र और लहरपुर विधायक अनिल वर्मा आदि ने संबोधित किया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य मनोज गुप्ता मिंटू, विधानसभा अध्यक्ष राजेश गिरी राजू, युवा जनसभा जिला अध्यक्ष रिजवान अहमद, मास्टर प्रमोद वर्मा, डॉक्टर शद्दान खान, फुरकान खान, कौस्तलेन सिंह, सलाउद्दीन गौरी, मीसम खान, विजय वर्मा, जावेद अन नसीर, सतनाम सिंह, शिवपाल यादव, डॉक्टर हासमी प्रधान, कुलदीप वर्मा, सुधाकर मिश्रा, अनिल मिश्रा, राधे वर्मा, नौनीत वर्मा, डॉक्टर इस्माइल मेराज, महबूब श्याम वर्मा शर्मा, अनीता राजवंशी, हर्षित तिवारी, शेखर यादव और मधुराम यादव मौजूद रहे। सीतापुर में स्वर्गीय पवन हिंदू पंचम डे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला रविवार की रात में खेला गया। इस खिताबी मुकाबले में खूबपुर राइफल टीम विजेता रही। आरएसएस के नगर प्रचारक और आकाश वर्मा द्वारा विजेता और उपविजेता टीमों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन अवनीश वर्मा, नागेश वर्मा, सौरभ वर्मा, शिवम यादव और शिवम शर्मा द्वारा किया गया। लहरपुर क्षेत्र के ढखेरा में 4 दिन के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। यह प्रतियोगिता प्रयागराज के रूरल इंडियन डेवलपमेंट चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रेस वार्ता के दौरान इस कार्यक्रम की जानकारी दी गई। बताया गया कि प्रतियोगिता में पुरुष और महिला दोनों तरह की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। क्रिकेट में 16 टीमें पंजीकृत की जाएंगी। इस दौरान ट्रस्ट अध्यक्ष ज्ञानेंद्र कुमार सिद्धार्थ भार्गव, डॉक्टर पवन जायसवाल, मानसी द्विवेदी, सलील वर्मा, पंकज सिंह, अनिकेत वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि शिवम वर्मा और मनोज वर्मा मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते यूपी रोडवेज की एक अनुबंधित बस खड्ड में पलट गई।
अच्छी बात रही कि बस में केवल 2 यात्री सवार थे जिन्हें इस दुर्घटना में कोई चोट नहीं आई। बाद में क्रेन के जरिए बस को खड्ड से बाहर निकाला गया। सीतापुर की लहरपुर नगर पालिका में ठेकेदारों द्वारा निर्माण कार्यों में जमकर घालमेल किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पालिका अध्यक्ष हाजी जावेद अहमद ने खुद पकड़ा है। नगर के मोहल्ला बहटी में नाली निर्माण चल रहा है। पालिका अध्यक्ष ने नाली के क्रश का निरीक्षण करने के दौरान निर्माण में मानकों को उल्लंघन पाया था और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई थी। इसे देखते हुए नाली के क्रश को ध्वस्त कर दिया गया। अब इसे फिर से बनाया जाएगा। खैराबाद थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी धर्मेंद्र कुमार ने थाने में प्रार्थना पत्र दिया। इसमें गांव के ही रमेश और उसके पुत्र मनोज तथा देशराज आदि पर रंजिश के चलते हमला करने के आरोप लगाए। पीड़ित ने अपने प्रार्थना पत्र में इस मारपीट का वीडियो होने का दावा किया है। खैराबाद ब्लॉक में ग्राम पंचायत सरैया शानी के ग्राम विकास अधिकारी जितेंद्र कुमार शुक्ला ने DPRO के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया है। जितेंद्र कुमार शुक्ला पर उच्च स्तर से जारी निर्देशों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए 9 जनवरी की जवाब तलब किया गया था। इससे उन पर सफाई कर्मियों की टोली के साथ उपस्थित न पाए जाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए गैर मौजूदगी का कारण स्पष्ट किया है। पीएम मोदी के आह्वान को देखते हुए सीतापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के बड़ा हनुमान मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, पूर्व नगर अध्यक्ष गोविंद भारती, सभासद प्रदीप गुप्ता, शक्ति केंद्र संयोजक सुशील सिंह सहज गुप्ता, बूथ अध्यक्ष प्रदीप कन्नौजिया, संतोष महंत आदि ने मंदिर की साफ सफाई में अपना योगदान दिया। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान उत्तर प्रदेश के संगठन में एक बार फिर विस्तार किया गया है। सीतापुर के युवा व्यवसायी दीपील अरोड़ा को संगठन का प्रदेश कार्यकारिणी सचिव मनोनीत किया गया है। संस्थापक अध्यक्ष प्रभाकर सिंह चौहान की स्वीकृति पर महासचिव पंकज शुक्ला ने इसके लिए मनोनयन पत्र जारी किया है। दीपील अरोड़ा को एक जिम्मेदारी मिलने पर अमरेंद्र सिंह चौहान, अनु सिंह चौहान, योगेश शुक्ला, रुद्र प्रताप सिंह, ओमकार नाथ शुक्ला, वैभव गोयल, संजय सिंह, नीरज पांडे, कृति तिवारी, भावना वैश्य, वीना अवस्थी, संदीप अवस्थी, वैभव सिंह, शशांक सिंह, रामानंद मिश्रा, अंकित शुक्ला, अतुल पांडे और धीरेन्द्र सिंह मौजूद रहे। मकर संक्रांति के मौके पर सीतापुर की तीर्थनगरी रामेश्वर भोर से ही श्रद्धालुओं के चक्रतीर्थ राजघाट और देवेश्वर घाट पर स्नान करने के बाद स्थानीय मंदिरों में पूजन अर्चन और दान का क्रम शुरू कर दिया जो दोपहर बाद तक चलता रहा। इस दौरान ब्यास पीठाधीश अनिल कुमार शास्त्री द्वारा ब्यास आश्रम में और काली पीठाधीश गोपाल शास्त्री तथा पुजारी भास्कर शास्त्री द्वारा काली पीठ में विशेष पूजन तथा खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। इसके साथ महंत बजरंग दास और पवन दास द्वारा हनुमान गढ़ी में पूजन और खिचड़ी भोज किया गया। वहीं चक्रतीर्थ पर प्रधान पुजारी राज नारायण पांडे ने खिचड़ी भोज आयोजित किया और संस्कृत पाठियों को स्वेटर वितरित किए। पहला आश्रम में भी महंत नारायण दास द्वारा खिचड़ी भोज किया गया। सीतापुर के यदुनाथपुर में देवाश्रम गोराक्षाधाम द्वारा अक्षत यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जितेंद्र कुमार मिश्रा, अंकिता चतुर्वेदी, जितेंद्र सिंह यादव, पारस मणि पांडे, माधव राम शर्मा, आशीष कुमार, रामचंद्र पाल, श्री केशन, सर्वेश कुमार, गोमती पाल, प्रीति पाल और लक्ष्मी आदि ने घर घर जाकर पूजित अक्षतों का वितरण किया। सीतापुर के RMP महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए खुशखबरी है। 18 जनवरी को महाविद्यालय में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए जाएंगे। प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यक्रम में शासन की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वर्ष 2023 में BA और BSc पास करने वाले छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। उन्होंने बताया इसके लिए कुल 844 छात्र छात्राओं की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर डाल दी गई है। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर यामिनी शुक्ला ने बताया कि इस सूची में शामिल सभी छात्र छात्राएं अपना आधार कार्ड और अंतिम वर्ष का प्रवेश पत्र या परिचय पत्र लेकर आए। लखनऊ विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए अहम जानकारी है। 17 जनवरी को और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती पर शासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। इसे देखते हुए 17 जनवरी को होने वाली विषम सेमेस्टर की स्नातक, परास्नातक तथा अन्य पाठ्यक्रमों की परीक्षा का कार्यक्रम बदल गया है। यह परीक्षा 17 जनवरी के स्थान पर विभिन्न आगामी तिथियों में आयोजित की जाएंगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए कमलापुर क्षेत्र में प्रसिद्ध मंदिरों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह और उनके सहयोगियों ने प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस मौके पर मधुकर पांडे, ज्ञानेन्द्र धनगर, किरणेश पांडे, मेवालाल, कृपाशंकर शुक्ला, आलोक कुमार, संतोष शुक्ला, सुशांत विश्वास, आशुतोष मिश्रा, वेद प्रकाश पांडे, अवधेश और राजेंद्र पांडे मौजूद रहे। सदना में भाजपा मंडल अध्यक्ष सूर्यबख्श सिंह के नेतृत्व में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया।
इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर पूजित अक्षतों का वितरण किया। 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का अनुरोध किया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हरीश सिसोदिया और मंडल महामंत्री कल्लू सिंह व अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लहरपुर नगर निवासी उस्मान खान ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि रविवार रात जब वो अपनी दुकान बंद कर रहा था, तभी शाह कुलीपुर निवासी इरफान और उसका बेटा इरफान तथा अन्य साथियों ने आकर गाली गलौज तथा मारपीट की है। सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा शहर के आलम नगर मोहल्ले में घर घर जाकर पूजित अक्षतों का वितरण किया गया। इस दौरान नगर वधु मोहल्ले के रूप में चर्चित आलम नगर जय श्री राम और जय माता के नारों से गूंजता रहा। जिला अध्यक्ष विपुल प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में चल रहे इस अक्षत वितरण कार्यक्रम में बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक उत्तम, जिला कोषाध्यक्ष प्रमोद सिंह, त्रिपुरेश जिला मंत्री श्याम बाबा, नगर मंत्री सचिन त्रिपाठी और आकाश राय मौजूद रहे। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए कमलापुर में पूजित अक्षत वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान घर घर जाकर अक्षत वितरण किए गए और लोगों से 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने की अपील की गई। इस मौके पर आरएसएस के जिला संचालक अवधेश, कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, आशुतोष मिश्रा, राजेंद्र पांडे, वेद प्रकाश पांडे, किसान संघ की महिला प्रमुख सरस्वती सिंह, रवि तिवारी, ज्ञानेन्द्र धनगर, पंकज सिंह तथा प्रिंस तिवारी, मोहम्मद सलीम, रहीम बख्श, हेमेंद्र यादव, लक्ष्मी गुप्ता और अनुज बाजपेयी मौजूद रहे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखते हुए जिले में सभी प्रमुख मंदिरों तीर्थस्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में लहरपुर के अंबरसराय स्थित पक्का तालाब तीर्थस्थल और हनुमान मंदिर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। पालिका ईओ अनिरुद्ध कुमार पटेल ने बताया कि अभियान में शामिल होकर इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर कई सभासदों सहित नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कुतुब नगर इलाके में आरओ प्लांट शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन चौकी प्रभारी शिव बहादुर सिंह, पूर्व प्रधान शिव मंगल सिंह और सीतापुर के अपर जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने किया। प्लांट संचालक बबलू सिंह ने बताया कि क्षेत्रवासियों को कम कीमत में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। इस अवसर पर सब्बू हसन, गोल्डी शर्मा, मुनीस गाजी, हरिप्रकाश सिंह गुड्डू, साधु सिंह और कब्बू हसन मौजूद रहे। मकर संक्रांति के मौके पर कसमंडा के मोहली स्थित नंदनी गौशाला में गौ पूजन कर गौवंश को गुड़ खिलाया गया। इस दौरान मोहली प्रधान धर्मेंद्र सिंह और हमीरपुर प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे ने गौ पूजन किया। इस मौके पर गुड्डू नॉमिनल इंद्रीस, रामप्रसाद पूरन सिंह चौहान और संतोष राठौर मौजूद रहे। सिधौली नगर में अक्षत वितरण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नगर मंत्री रामगोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अक्षत वितरण किए और 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाने का अनुरोध किया। इस मौके पर बजरंग दल नगर संयोजक अतुल तिवारी, नगर सह संयोजक हिमांशु शुक्ला, हैप्पी सिंह और ननकू मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइंड सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। सीतापुर की जवाहरपुर चीनी मिल में टैंक फटने से बिल्डिंग का काम कर रहे 3 कर्मचारी उसकी चपेट में आ गए, जिससे उनकी सांसें वहीं पे थम गई। इनमें 2 लोग बरेली जनपद के और 1 सीतापुर जनपद का शामिल है। यह हादसा सोमवार शाम 4:30 बजे के आसपास होना बताया गया है। सूचना मिलते ही DM अनु सिंह, SP चक्रेश मिश्रा, ADM नीतीश कुमार सिंह, एडिशनल SP प्रकाश कुमार, SDM सदर ज्ञानेन्द्र द्विवेदी, CO सिटी अमन सिंह, चीनी मिल के AGM आशीष बंसल सहित पुलिस और प्रशासनिक अफसर चीनी मिल पहुंच गए। मृतकों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिए जाने के साथ ही हादसा क्यों हुआ इसका पता लगाने के लिए DM अनु सिंह ने निर्देश दिए हैं। सीतापुर की डालमिया शुगर मिल जवाहरपुर में सोमवार शाम हुए हादसे की गूंज राजधानी तक गूंजी। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। इसके बाद जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी दल बल के साथ चीनी मिल पहुंच गए। खैराबाद नगर पालिका में स्वच्छता महाअभियान श्री माता गौरी देवी मंदिर से शुरू किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू के साथ स्थानीय सभासद और निकाय कर्मी मौजूद रहे। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए पालिका द्वारा 7 दिन के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मौके पर 22 जनवरी को सीतापुर रोटी गोदाम स्थित श्री रघुनाथ शिव मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।
स्थानीय छत वितरण समिति की ओर से बताया गया है कि कार्यक्रमों की इस कड़ी में सुबह 9 बजे से सुंदरकांड, 11 बजे से प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण और दोपहर 1:30 बजे भंडारा तथा प्रसाद वितरण किया जाएगा। सीतापुर के कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों में अत्यधिक ठंड को देखते हुए 16 और 17 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश सभी बोर्ड से संचालित विद्यालयों में लागू होगा। सीतापुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र कुमार, सीओ आलोक कुमार, एआरटीओ माला वाजपेयी, यातायात निरीक्षक फरीद अहमद, चौकी प्रभारी विमल कुमार, सतीश कुमार और प्रॉमिस मिश्रा मौजूद रहे। इस दौरान सीओ ने हिट एंड रन के मामले में मिलने वाले आर्थिक मदद के बारे में बताया। परिवहन विभाग द्वारा 250 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रेडियम कवर लगाने का काम शुरू किया गया। लोकसभा चुनाव से पहले AIMIM पार्टी को बड़ा झटका लगा है। सीतापुर में AIMIM पार्टी से 2022 में सेवता विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले जावेद हाशमी अपने तमाम समर्थकों के साथ सुहेलदेव समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। तंबौर निवासी जावेद हाशमी को सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर की उपस्थिति में सुभाषपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रवक्ता इजहार अली ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई। सीतापुर के जेआईसी में फ्रेंड्स फॉर एवर क्लब द्वारा मास्टर वेस्ट लीग का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने किया तथा मुख्य अतिथि के रूप में आरएमपी डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर सुनील कुमार मौजूद रहे। इसके फाइनल मैच में मुंशीगंज इंडियंस की टीम विजेता रही। इस टीम के कप्तान अभय मिश्रा को मैन ऑफ द मैच तथा निक्की को मैन ऑफ द सीरीज चुना गया। इस मौके पर आलोक शर्मा, रामलखन यादव, तनवीर क्लब के संस्थापक अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, विमल गुप्ता, अभिषेक दीक्षित, बिपिन गुप्ता, अभय मिश्रा, जीतू, दिनेश पांडे, ओमवीर यादव और पंकज शुक्ला मौजूद रहे। सीतापुर में नगर पालिका के पार्क पर अवैध रूप से कब्जा करके तबेला बना देने वाली एक डेयरी पर सोमवार को पालिका का बुलडोजर गरज किया। यह कार्रवाई आवास विकास कॉलोनी के सी ब्लॉक में आने वाले पुलिस मोटर ट्रेनिंग कॉलेज के सामने से गुजरने वाली सड़क पर की गई। पालिका की ओर से डेयरी संचालक को पहले भी नोटिस तथा मौखिक चेतावनी के जरिए अवैध कब्जा हटाने के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन कब्जा न हटाने पर बुलडोजर से अवैध कब्जे को हटा दिया गया। इस रोड का निर्माण कार्य होना है और इस पर तमाम दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसे देखते हुए दुकानदारों को भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन दुकानदारों पर कोई भी असर नहीं हुआ था। सोमवार को जब पालिका का बुलडोजर पहुंचा तब दहशत में आकर दुकानदारों ने खुद ही अवैध कब्जे समेट लिए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा मितौली ब्लॉक के काना खेरा पहुंची। इस दौरान एडियोक्रेसी नैमिष कुमार यादव ने इसे संकल्प यात्रा के बारे में लोगों को बताया। प्रधान राधे श्याम वर्मा ने सरकारी योजनाओं का बखान किया और इस मौके पर सचिव धर्मेंद्र वर्मा, पंचायत सहायक विमल वर्मा, एएनएम चंद्रप्रभा, बबली सिंह, अमित वर्मा, कुलदीप वर्मा, सरोज कुमारी, गीता देवी, आशा पुष्पा देवी, रूपेश कुमार और मनमोहन दीक्षित मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का लखनऊ जाते समय लखीमपुर के मैगलगंज टोल प्लाजा पर जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रदेश संगठन मंत्री श्यामू शुक्ला के साथ क्षेत्र के सैकड़ों किसान मजदूर मौजूद रहे। गोला नगर पालिका में खुटार रोड स्थित फूल बाबा मंदिर पर स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला, रिंकू के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता अभियान में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभासद राजेश वर्मा, सुरजन लाल वर्मा, राजेश राठौर, बिमलेश वर्मा, अविनाश चंद्र, धीरज वाजपेयी, शिवम गुप्ता, रवि प्रकाश शर्मा, गीता विश्वकर्मा, राजीव वर्मा, रेखा मिश्रा, नवीन भसीन, सचिन गुप्ता, मनीष पाठक, आशुतोष मिश्रा, विजय गुप्ता, अनुज गुप्ता, विपिन मिश्रा, वीर शुक्ला, ऋतिक गुप्ता, ज्ञानू तिवारी और लौकुश अवस्थी मौजूद रहे। लखीमपुर के खमरिया तीर्थ में पूजित अक्षत वितरण अभियान जारी है। इस कड़ी में विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने ईसानगर की चंद्रासा, खुर्द और बदालीपुर में घर घर जाकर अक्षतों का वितरण किया और दीपोत्सव मनाने की अपील की। इस मौके पर धौरहरा विधायक प्रतिनिधि गोपाल शंकर अवस्थी, ग्राम प्रधान आर के त्रिवेदी, दिनेश प्रजापति, अतुल त्रिपाठी, प्रेम जायसवाल, कृष्णा पोरवाल, जितेंद्र वर्मा और धीरज वर्मा मौजूद रहे। लखीमपुर की मैलानी नगर पंचायत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर विशाल खिचड़ी भोज आयोजित किया गया। बीते कई वर्षों से यह आयोजन मौजूदा नगर पंचायत अध्यक्षा कीर्ति माहेश्वरी और उनके पति भवानी शंकर माहेश्वरी द्वारा किया जाता है। इस मौके पर भाजपा नेत्री गुरमीत कौर, हरिहर दत्त मिश्रा, पीएस रावत, प्रदीप शर्मा, अनिल गुप्ता, कारीगर भैया, पवन कुमार, टिंकू और अमित कुमार मौजूद रहे।
इसी क्रम में नगर के गायत्री मंदिर व खुटार रोड पर दुर्गा टेंट हाउस पर भगवान सरन द्वारा खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। मकर संक्रांति के अवसर पर लखीमपुर में मां आदिशक्ति फाउंडेशन की प्रथम बैठक आयोजित की गई। इस दौरान फाउंडेशन की ओर से नगर पालिका को कंबल उपलब्ध कराए गए। इस मौके पर पालिका अध्यक्ष डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, लेखाकार प्रहलाद सिंह, संरक्षिका मधुलिका त्रिपाठी, रेणुका टंडन, संगीता तिवारी, शिल्पी गुप्ता, पारुल पटेल, उमा पितरिया, किरण गुप्ता, दीपा शुक्ला, सीमा सिंह, कोमल गुप्ता, कुमुद सिंह, सच्चा सिंह, सोनाली, संगीता, आरती आदि मौजूद रहे। लखीमपुर में मितौली ब्लॉक की खमरिया तथा गणेशपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता करते हुए नोडल अधिकारी JMI सतीश चंद मौर्य ने सरकारी योजनाओं का बखान किया। कार्यक्रम का संचालन रेडियो क्रस अनिल कुमार ने किया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि अनूप राठौर ने अतिथियों का स्वागत किया। गणेशपुर की बैठक प्रधान राम देवी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस दौरान एडीओ अनिल कुमार ने विभिन्न योजनाओं के बारे में बताया। बैठक में प्रधान प्रतिनिधि महेश कुमार और ग्राम सचिव ऋतु यादव मौजूद रहे। लखीमपुर में शिक्षिका और लीफ आर्टिस्ट कल्पना तिवारी ने अनोखे अंदाज में श्री राम मंदिर बनने की बधाई दी है। गोला तहसील के अलीगंज निवासी कल्पना तिवारी ने पीपल और मदार के पत्ते पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भव्य मंदिर और राम दरबार की आकृति बनाकर बधाई दी है। लखीमपुर के मैलानी में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने तथा संचालन राजेश कुमार ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का बखान किया। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि संजय सिंह, दीपक तलवार, मुन्ना अवस्थी, हरिहर दत्त मिश्रा, नगर पंचायत अध्यक्ष कीर्ति माहेश्वरी, गुरमीत कौर, SDM रत्नाकर मिश्रा, CSC प्रभारी डॉक्टर संजीव कुमार, EO राजेश चौधरी और थाना अध्यक्ष पंकज त्रिपाठी मौजूद रहे। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की। आज मायावती का 68वां जन्मदिन है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य और सपा प्रमुख अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। कार्यकर्ताओं ने इसके लिए लखनऊ के पार्टी मुख्यालय सहित प्रदेश में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किए। उधर मायावती ने भी सभी देशवासियों और बसपा के सभी पदाधिकारियों को अपने जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। मायावती ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार करते हुए जिस तरह कांग्रेस को तो आड़े हाथों लिया ही, लगे हाथ अखिलेश यादव को गिरगिट बता दिया है। उसने सियासत में भूचाल ला दिया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सत्ता सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं और BSP के लोग ऐसे लोगों से सावधान रहें। दूसरी तरफ मायावती ने अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का स्वागत करते हुए कई तरह की चर्चाओं को बल दे दिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा सपा प्रमुख अखिलेश यादव को गिरगिट बताए जाने पर सपा की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने कहा है कि हमारे संस्कार इस भाषा में जवाब देने को नहीं कहते हैं। जनता देख रही है कब कौन कैसे रंग बदलता है। उन्होंने कहा, गठबंधन में जब हम थे तब कितनी सीटें मिली और जब नहीं थे तब कितनी सीटें मिली, इसे देखना चाहिए। यूपी के बेसिक विद्यालयों में एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले की आस लगाए बैठे शिक्षकों को अभी लंबा इंतजार करना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि अब तबादले गर्मियों की छुट्टी में ही किए जाएंगे। इसके बाद राजधानी के बेसिक शिक्षा निदेशालय पर 3 दिनों से चल रहा शिक्षकों का धरना समाप्त कर दिया गया है। इन दिनों समूचा यूपी भारी शीतलहर और कोहरे की चपेट में है। सूरज ना निकलने से हवा में गलन बढ़ी हुई है, साथ ही दिन में शाम जैसा एहसास हो रहा है। ऐसे में ही मौसम विभाग की एक भविष्यवाणी डरा रही है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और मोहम्मद दानिश के मुताबिक मौसम शुष्क बना हुआ है। ठंडी पछुआ हवाएं हाड़ कपाने वाली, यानी कि आने वाले दिनों में सर्दी और बढ़ेगी तथा न्यूनतम तापमान और नीचे गिर सकता है। मकर संक्रांति के साथ दुनिया के सबसे बड़े वार्षिक धार्मिक मेले की यूपी की संगम नगरी प्रयागराज में शुरुआत हो गई है। इस माघ मेले में पहले ही दिन लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र संगम में डुबकी लगाई। लगभग 55 दिनों तक चलने वाले इस माघ मेले का विशेष महत्व इसलिए है कि यूपी की योगी सरकार इसे साल बद साल यहीं पर आयोजित होने वाले कुंभ के रिहर्सल के तौर पर ले रही है। सरकार इस मेले के जरिए अपनी कुंभ की तैयारियों को पहले से ही जांच परख लेना चाह रही है। यही वजह है कि इस बार माघ मेले के सारे प्रबंध पहले से काफी विस्तृत और अलग नजर आ रहे हैं। लखनऊ पब्लिक स्कूल एंड कॉलेजेस के लखनऊ में गोमती नगर स्थित कैंपस में स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। डायरेक्टर हर्षित सिंह और राज्य बीमा निगम के संयुक्त तत्वाधान में
आयोजित इस शिविर के दौरान संस्थान से जुड़े तमाम कर्मचारियों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। इस मौके पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम की कपूरथला शाखा प्रबंधक कोमल जैन, नरेंद्र बहादुर सिंह, राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉक्टर तराना हाशिम, डॉक्टर राकेश चक्रवर्ती प्रधानाचार्य, अनिता चौधरी एलपीएस, डायरेक्टर गरिमा सिंह, राजकुमार वर्मा डीन, डॉक्टर एल एस अवस्थी, मीडिया हेड विजय मिश्रा, मुख्य निरीक्षक संजय प्रताप सिंह और सूर्यांश मौजूद रहे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय सहित कई कांग्रेस नेता अयोध्या पहुंचे। उन्होंने पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद मंदिरों में पूजन अर्चन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर इंडिया गठबंधन को जोर का झटका दिया है। उन्होंने अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। मायावती ने कहा कि गठबंधन में चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी का नुकसान होता है, सवर्ण वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होते हैं, इसलिए बसपा किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। चुनाव के बाद उचित भागीदारी मिलने पर समर्थन किया जा सकता है। बता दें, काफी समय से बसपा को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की कवायद की जा रही थी। यह था आज का खबरनामा, आप देखते रहिए इंडिया, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।